स्वागत है आपका सिटी एट नाइन में खबरों के साथ, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे मुरैना की बड़ी खबर के साथ, जहां रुक रुक कर बारिश हो रही है और इससे तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। ओवरफ्लो तालाब एक जगह से फूट गया है। तालाब फूटने से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। सैकड़ों बीघा खड़ी बाजरा और तिली की फसल बर्बाद हो गई है। देर रात कलेक्टर ने भी तालाब का निरीक्षण किया था। सबलगढ़ के टोंगा ग्राम पंचायत में ये तालाब बना हुआ है। दरअसल बारिश लगातार हो रही है मुरैना में और इस वजह से जो तालाब है वो ओवरफ्लो हो जाने की वजह से उसका पानी बहने लगा और ये बहता हुआ पानी किसानों की खड़ी फसल पर जा पहुंचा। अब किसानों की फसल बर्बाद हुई और इस वजह से किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये देखिए किस तरीके से तालाब ओवरफ्लो होने की वजह से पानी भरता हुआ नजर आया और पानी लोगों के, किसानों के खेतों तक पहुंच गया, जिससे खड़ी फसल तबाह हो गई है। तो पूरी जानकारी मुरैना से है, जहां पर रुक रुक कर हो रही बारिश से तालाब ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो तालाब एक जगह से फूट गया। तालाब फूटने से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। सैकड़ों बीघा खड़ी बाजरा और तिली की फसल बर्बाद हुई है। देर रात कलेक्टर ने भी तालाब का निरीक्षण किया था। सबलगढ़ के टोंगा ग्राम पंचायत में ये तालाब बना हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। हालांकि पहली नज़र में देखने में ये बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरीके से नुकसान हुआ है ये एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है, क्योंकि किसानों की खड़ी फसल पूरी तबाह हो गई है। संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गए हैं। अमित, तालाब ओवरफ्लो हुआ, पानी बह गया और किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। जानकारी है कि देर रात ही कलेक्टर ने यहाँ का जायजा भी लिया था। बिल्कुल, देखिए बीते तीन दिन से बारिश हो रही है, लगातार बारिश का दौर जारी है। यही वजह है कि अब कई गांव बाढ़ जैसी हालात बन गए हैं, लेकिन जो सबलगढ़ के टोंगा में जो तालाब बना हुआ है उसके लगभग एक दर्जन ऐसे गांव हैं कि उसकी जद में आती है और तालाब ओवरफ्लो हो गया और ओवरफ्लो के बाद में वो तालाब की जो दीवारें थी उसमें डैमेज हो गई। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वही नहर है, चंबल केनाल नहर बोला जाता है इससे, लेकिन अब इसमें पानी को तब्दील एक रिवर्स किया गया, यानी कि इस जो तालाब का पानी था वो गांवों में आ रहा था, उसके बाद उस पानी की निकासी के कोई इंतजाम नहीं थे, अब इस पानी को इस नहर में छोड़ा गया है, जिस वजह से जो ग्रामीण हैं और जो गांव के आसपास के जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उनमें कोई आफत न बन सके। लेकिन प्रशासन को ये पहले से इंतजाम करने थे कि क्योंकि जो पिछले साल भी देखा गया था इसी तालाब में दरार थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि अब खामियाजा भुगतना पड़ा है। देर रात से कलेक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो संबंधित SDM है, सबलगढ़ SDM, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बात करने की कोशिश भी करेंगे, हम यहाँ कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन जो देर रात को कलेक्टर और SP से लेकर के विधायक भी यहाँ पर आए थे। खास बात तो ये है कि जहाँ जिस तरीके से जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, अब जो SDM है यहाँ के उनसे ही बात कर लेते हैं कि सर यहाँ कब से ये समस्या। एक कल पता लगा कि जो टोंगा डैम है उसमें कहीं रैट होल हो गया है, वो धीमे धीमे बढ़ा और रात में 2-2:30 बजे के करीब बहुत काफ़ी बढ़ गया वो, और सुबह 6:20 पे वो ब्रीच हो गया। सर कई गांवों को अलर्ट भी जारी किया गया है, कितने गांव? ये करीब 4-5 गांव हैं जिनको अलर्ट जारी किया गया। किसानों की भारी फसल में भी नुकसान देखने को मिल रहा है? अभी फसल में नुकसान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बरसात का पानी भी खेतों में भर जाता है, अगर ये पानी निकल जाएगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। लगभग कितनी आबादी समझे इसकी प्रभावित हो? 5 गांव की आबादी लगभग 1,000 भी माने, मतलब तो 10-20 हजार है, लेकिन कहीं किसी के घरों में पानी नहीं घुसा। जो नाले के किनारे जो कुछ घर थे उनमें थोड़ा 1-1 फीट कहीं कहीं पानी है, वो भी निकल गया। क्या कारण क्या रहा, क्योंकि कई बार देखा जाता है 7-7 दिन तक मानसून दस्तक देती है, लेकिन इस बार 2 दिन के मानसून में? ये पुराना तालाब है, लगभग 60 वर्ष पुराना तालाब बता रहे हैं, और मैं बहुत सारी चीज़ें ऑन कैमरा कह नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें भी कुछ पता लग रहा है। वहाँ गांव वालों की ज़मीन है पीछे, तो वो ये चाहते हैं कि ये तालाब खाली हो, है ना, और खाली होने के बाद हम इसमें फसल कर लें। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं निकल के, हम पता भी लगा रहे हैं अभी जो हुआ है। एक तरीके से अतिक्रमण की जद में आ गया है तालाब? अतिक्रमण की जद में आ गया या नहीं आया वो मैं अभी नहीं बता सकता कि जब तक मैं पटवारियों से रिपोर्ट ले लूँगा, क्योंकि ये घटना एकदम हुई है, लेकिन जो पता लग रहा है वो धीरे धीरे यही है कि वो जो बोल्डर निकाले गए उसमें से, या जो जो भी कुछ रेट होल किया गया या जो भी है उसका भी पता लग रहा है।
अभी स्थिति सामान्य है जो 4-5 गांव में अलर्ट जारी? अभी बिल्कुल सामान्य है, आप भी देख रहे होंगे कहीं कुछ नहीं। ये सबसे प्रभावित होने वाला गांव यही है जहां हम खड़े हुए हैं, बंदपुरा। तो यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा। तो देखिए, ये थे एसडीएम वीरेंद्र कटारे। उनका कहना है कि जो गांव प्रभावित थे वो इस समय सामान्य स्थिति है, जिसका मुख्य कारण है कि जो पानी था और जो तालाब डैमेज हुआ था, जिसकी दीवार थी उसमें दरार आई थी, लेकिन उसके पानी को अब चंबल नहर में डाइवर्ट कर दिया गया है। और जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस समय, वो साफ नजर आ रहा होगा कि जो चंबल में जिस तरीके चंबल नहर में जो पानी छोड़ा जा रहा है, तो उससे एक बात तो साफ है कि जो 4 से 5 गांव थे उन गांव के लिए अब राहत मिल सकेगी। क्योंकि जो बीते रोज से ही देखा जा रहा था देर शाम से कि जिस तरीके से जो हालात बने थे, जो हालात कहीं ना कहीं गांव के जो ग्रामीण थे उनकी भी चिंता बढ़ा रहे थे, लेकिन फिलहाल अब स्थिति सामान्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हालात सामान्य होना बताया जा रहा है, हालांकि जांच की बात भी कही जा रही है। देखना यह है कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्वालियर में डेंगू की, जहां डेंगू का असर देखने को मिल रहा है। डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं। जीआरएमसी की रिपोर्ट में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। 47 संदिग्ध के सैंपल में 2 मरीजों को डेंगू निकला है। 5 साल के बच्चे और 18 साल के युवक को डेंगू निकला है। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या कुल 148 हो गई है। और आप ये देखिए कि 5 साल का मासूम, साथ ही 18 साल का एक युवक, जवान युवक, जो कि डेंगू की चपेट में आया है। और बार बार यही सूचना दी जा रही है कि आपको कैसे सुरक्षित रहना है। फिर से एक बार न्यूज 18 आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के दौरान आपने जो जो एहतियात बरती है, आपको वही एहतियात बरतना है ताकि डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी से आप दूर रह पाएं। और सीधे रुख करेंगे, ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, 2 और मरीजों की पुष्टि हो गई है डेंगू की, और कुल 148 मरीज सामने आ चुके हैं। वाकई में स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। बिल्कुल, देखिए बारिश के सीजन में अब ग्वालियर चंबल अंचल में डेंगू भी अपने पैर पसार रहा है। ग्वालियर में अगर बात करें तो जिला अस्पताल और जयरोग्य अस्पताल में जिन 47 संदिग्धों के सैंपल लिए गए थे, उनकी जांच रिपोर्ट जब देर रात आई तो उसमें 2 लोगों को डेंगू निकला है। इनमें एक 5 साल का बच्चा है, इसके अलावा 18 साल का युवक है जिसको डेंगू की पुष्टि हुई है, पॉजिटिव निकले हैं। इन दोनों को ही ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया है। आपको बता दें कि इस सीज़न में ग्वालियर ज़िले में डेंगू के मरीजों की संख्या अब बढ़कर 148 हो गई है। और सबसे बड़ी जो वजह है डेंगू प्रसारित होने की, उसकी यही वजह है कि ग्वालियर में जो जल भराव वाले इलाके हैं, जल जमाव जहाँ है, इसके अलावा गंदगी पनप रही है। इसके अलावा जिन घरों के आसपास, रिहायशों के आसपास गंदा पानी जमा है, वहाँ तेज़ी से डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं लार्वा पनपने के चलते। अब डेंगू के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। CMHO ने जिले के सभी सरकारी अस्पतालों को डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाने के साथ ही जो डेंगू मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि अब डेंगू, जैसे जैसे बारिश का ये सीज़न अपने आखिरी दौर पर रहेगा, वैसे वैसे डेंगू तेज़ी से पैर पसारेगा ग्वालियर चंबल अंचल में। और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगरीय प्रशासन तो अलर्ट है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि डेंगू से बचने के लिए लोग अपने घरों में, बर्तनों में या कूलर सहित अन्य जगहों पर डेंगू का लार्वा न पनपने दे, उससे स्थितियां और भयावह हो सकती है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के साथ ही अब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस डेंगू के बढ़ते प्रभाव से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाएं। बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से डेंगू के प्रभाव से किस तरीके से बचा जा सकता है, ये भी जानकारी दी गई है। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां इंदौर में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू, बीते 24 घंटे में डेंगू के 11 मामले सामने आए हैं। इंदौर में हालात और ज्यादा गंभीर हो चले हैं। अब तक 212 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। अब तक 22 बच्चे भी डेंगू के शिकार हो चुके हैं। जहां जहां लार्वा मिला वहां ड्रोन से सर्वे होगा और वहां पर दवाइयों का छिड़काव होगा। निगम प्रशासन मुस्तैद हो गया है, क्योंकि इंदौर में अब तक 212 मरीजों में डेंगू की पुष्टि होना एक बहुत बड़ी गंभीर स्थिति आ चुकी है स्वास्थ्य विभाग के लिए भी। और अब दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, डेंगू के लार्वा नष्ट करने की कोशिश हो रही है। हालांकि बारिश के दिनों में देखा जाता है कि ये बीमारियां लगातार फैलती हैं।
ग्वालियर में टीआई पर केस दर्ज किया गया। भवरपुरा थाने के टीआई सुरेंद्र सिंह सिकरवार पर केस दर्ज हुआ है। हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी कर तलब किया। हाई कोर्ट में 4 सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी। ज्वारा एडीजे के साथ अभद्रता का पूरा मामला है। 10 फरवरी को ज्वारा न्यायालय ने टीआई को तलब किया था। गिरफ्तारी वारंट से तलब किए जाने पर टीआई ने नाराजगी भी जताई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर टीआई पर मामला दर्ज हो चुका है। भवरपुरा थाने के टीआई सुरेंद्र सिंह सिकरवार पर केस दर्ज हुआ है। हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी कर तलब किया है। खबर बिलासपुर से, जहां पर फैक्ट्री से लाखों का तांबा चोरी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। चोरों के साथ और 2 खरीददार भी गिरफ्तार किए गए हैं। चोरों से 27 लाख का माल बरामद किया गया। करीब 1.5 लाख का सोना चांदी भी जब्त हुआ है। बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री से लाखों का तांबा चोरी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। चोरों के साथ और 2 खरीददार भी गिरफ्तार किए गए। और अब खबर ग्वालियर से, जहां चलती ट्रेन में यात्री ने सीट पर पेशाब कर दी। जी हां, नशे की हालत में ट्रेन में सीट पर पेशाब कर दिया। कालका शिरडी एक्सप्रेस का पूरा मामला है। आगरा के पास S2 कोच में यह घटना हुई है। यात्रियों की शिकायत पर कार्रवाई की गई। ग्वालियर में RPF GRP ने यात्री को उतार दिया। 500 रुपए का जुर्माना लगाने के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात यह है कि जिस तरीके से शराब पीकर ट्रेन में सफर करते हैं ऐसे यात्री, उनकी वजह से आम लोगों को, आम दूसरे लोगों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। और कोच ट्रेन नंबर S2 में, ट्रेन का जो डिब्बा S2 है, उस कोच में ये यात्री सफर कर रहा था और शराब के नशे में था। अचानक से इसने सीट पर ही पेशाब कर दिया और उसके बाद इसकी शिकायत की गई। मौके पर टीम पहुंचकर इसे उतार दिया गया। 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे भोपाल की। हर घर तिरंगा अभियान को जोर देने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम। और ये देखिए किस तरीके से वोट क्लब में इस वक्त पूरी 7 सजावट कर दी गई है, पूरा वोट क्लब। और देखिए आप, क्रूज को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, जिसमें आपको चारों तरफ तिरंगा झंडा नजर आएगा। बलून भी आपको तिरंगे के रंग में नजर आएंगे। और आज यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं और भी कई दिग्गज चेहरे आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। हालांकि अभी जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो होने वाली है। ये आप लेक व्यू का नजारा देख रहे हैं, जहां पर क्रूज पर इस पूरी तैयारी के साथ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर घर तिरंगा अभियान को जोर देते हुए नजर आने वाले हैं। और ये देखिए, जब दिग्गजों को पहुंचना शुरू हो चुका है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब जैसे ही BD शर्मा पहुंचे हैं तो उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जो गीत हैं वो गाए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान, जैसा कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर घर में तिरंगा लगना जरूरी है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को, अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई कमी ना रह जाए। और इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं वो हर साल देखने को मिलते हैं। और देखिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति करती हुई जो बालिकाएं हैं वो नजर आ रही हैं, जो अपने मध्य प्रदेश की संस्कृति को दर्शाती हुई दिखाई देती है। तो वोट क्लब भोपाल में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम, और ये तो पूरा जो नजारा है ये आपको भोपाल के लेक व्यू का नजर आ रहा है, जहां पर क्रूज पर इस पूरे क्रूज को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। और थोड़ी ही देर बाद इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचने वाले हैं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की वासना हूँ, है प्रीत जहाँ की।
और अब बात बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां अंधेरे में खड़े ट्रक से टकराया बाइक सवार। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, घायल को सिम्स अस्पताल भर्ती किया गया है। राइस मिल के सामने अंधेरे में ट्रक खड़ा हुआ था और ये बाइक सवार को नजर नहीं आया और तेज रफ्तार बाइक सवार इस ट्रक से जा भिड़ा। किनारे बेतरतीब गड़ी गाड़ियों से ये कई हादसे हो चुके हैं, 6 लोगों की जान जा चुकी है। मस्तोरी थाना के मल्हार चौक क्षेत्र की पूरी घटना बताई गई है। आप ये देखिए कि कोई पहला घटनाक्रम नहीं, इसके पहले भी कई ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं जब तेज रफ्तार जो वाहन होते हैं वो अंधेरे में खड़े वाहनों से टकरा जाते हैं। हालांकि इसमें किसी भी तरीके की कोई लाइट नहीं समझ में आ रही है, जिस तरीके से एक लाइट नजर आती है कि कोई वाहन खड़ा भी है, अगर उसमें रोशनी पड़ती है तो भी नजर आ जाता है, लेकिन जिस तरीके से लोड वाहन खड़ा था ये दिखा नहीं बाइक सवार को। और बाइक सवार इस वाहन में तेजी से जा भिड़ा जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और इस हादसे में बाइक सवार को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया, सिम्स में रेफर किया गया है। और अब इंदौर का मामला है जहां पर बाइक चालक एसीपी से भिड़ गया। बाइक से गाड़ी टकराने पर एसीपी से भिड़ा, गाड़ी का शीशा तोड़ने के लिए उठाया पत्थर, एसीपी ने लगाया बदतमीजी का आरोप। एसीपी सुभाष सिंह ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। एरोड्रम थाने के पंचवटी कॉलोनी की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर इंदौर से, जहां पर एसीपी से भिड़ा बाइक चालक, बाइक से गाड़ी टकराने पर एसीपी से भिड़ गया, गाड़ी का शीशा तोड़ने के लिए उठाया पत्थर, एसीपी ने बदतमीजी का आरोप भी लगाया है और इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर है जिनका जिनके द्वारा थाने पे आकर शिकायत रजिस्टर कराई गई थी कि उनका पड़ोसियों सोसाइटी वालों के साथ पार्किंग को लेकर विवाद था। तो आए दिन जब वे अपनी गाड़ी को पार्क किया करते थे तो इस प्रकार से मोहल्ले वाले सोसाइटी वालों द्वारा उनके प्रति गाली गलौच और की जाती थी। तो इस विषय में वे थाने पे आए थे और थाने पे आकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर से पुलिस ने सुसंगत धाराओं में कायम की है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, ये पूरा मामला बताइए, क्या एक्शन लिया गया इस पूरे मामले के सामने आने के बाद? देखिए, जो एसीपी है वो रेडियो विभाग में पदस्थ है और जब वो अपनी गाड़ी लेकर अपने घर जा रहे थे, वो सरकारी गाड़ी थी जो सीसीटीवी में वो पूरा घटनाक्रम नजर भी आ रहा है, अपने घर की तरफ वो जा रहे थे तो पास में एक दो पहिया वाहन खड़ी थी जिसमें हल्की सी टक्कर लगती है, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी पार कर रहे थे उसी दौरान पर जिसकी दो पहिया वाहन थी, जानकारी सामने आई कि लोडिंग रिक्शा चलाते हैं, इसका तो एसीपी के पास पहुंच जाते हैं और एसीपी के साथ गाली गलौज करने लग जाते हैं। यहाँ तक पास में रखा एक पत्थर भी उठा लेते हैं सामने मारने के लिए कांच पर, यानी कांच तोड़ने का प्रयास भी किया जाता है, धमकी दी जाती है और लंबे समय तक एसीपी के साथ उज्जत होती जाती है और आसपास के लोग देखकर ये हैरान रह जाते हैं कि अब लोगों में पुलिस का ही खौफ नहीं बचा है। ये वो लोग हैं जो वर्दी पहनते लोग हैं, वो पुलिस की गाड़ी है, उसके बावजूद भी लोग उनसे भी बात कर रहे हैं। देखिए, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, इंदौर में ऐसी कई तस्वीर सामने आ चुकी जहां पर पुलिस कर्मियों के साथ ही मारपीट हुई है, यानी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में इंदौर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। एसीपी को खुद थाने पहुंचना पड़ा, थाने पहुंच कर उन्होंने शिकायत की, पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया और ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो अधिकारी ने थाने में सौंपा था। उन्होंने कहा था इस सीसीटीवी फुटेज में सारा घटनाक्रम है जिसमें मैं जब गाड़ी पार्क कर रहा था तो पास में मौजूद व्यक्ति गाली गलौज करने लगा और बोले ऐसे कई लोग हैं जो अक्सर विवाद करते हैं, गाली गलौज करते हैं और मजबूरी में आज मुझे थाना आना पड़ा। तो लेकिन देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि ये कैसा सिस्टम, ये कौन से पुलिस कमिश्नर सिस्टम, जहाँ आम आदमी तो हैरान था, ये आम आदमी परेशान था आम आदमी के साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज दिल्ली में मंत्री और सांसद बाइक रैली निकाल रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन स्थल भारत मंडपम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मनसुख मांडविया, किरण रिजिजू मौजूद हैं। ये रैली प्रगति मैदान स्थित प्रगति मैदान से शुरू होकर इंडिया गेट से होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक जाएगी। गौरतलब है कि इस साल देश भर में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं,
जहां पर हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए रैली निकाली जा रही है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 9 अगस्त से हो गई और इस वक्त हम भारत मंडपम में मौजूद हैं और यहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जो है हरी झंडी दी गई है। सारे सांसद और मंत्रियों को यहां पर आमंत्रित किया गया है ताकि लोगों से ज्यादा अपील की जाए। और आप यहाँ देख सकते हैं तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और हरी झंडी जो दे दी गई है वो बाइक रैली यहाँ से निकलेगी और इंडिया गेट होते हुए जो है ये बाइक रैली जाएगी। तो आप देखिए यहाँ लोगों में भी कितना जोश है, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हर किसी के चेहरे पर जो है वो उत्साह है। तो बाइक रैली की जो शुरुआत है वो आज से हो गई है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसका हिस्सा बने इसकी कोशिश की जा रही है। कैमरामैन कार्तिक के साथ